यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आगरा का दौरा किया। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस बार परिवहन विभाग को 122 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुंभ के लिए पुरानी 500 बसों को हटाकर उनकी जगह 1000 नई बसों को मंगवाया गया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं सरकार बंगले से तोड़फोड़ मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि कोई मकान से नलके की टोटी चुरा कर ले गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये जांच का विषय है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था, जिसमें खाली करने के वक्त वो अपने साथ टोटियां लेकर चले गए थे और टाइल्स तक उखाड़ कर लेकर चले गए थे, जिसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है और इसी के ऊपर यहाँ पर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है।